2020 ने हमें क्या क्या दिखा दिया और क्या होगा अगर 2020-2021 का एक ट्रेलर हो। मैं बात कर रहा हूँ वर्ल्ड वॉर 3 के बारे में, क्योंकि 2020 के सारे हादसों से कई लाख गुना ज्यादा खतरनाक होगा वर्ल्ड वॉर 3। वर्ल्ड वॉर 3 में सब कुछ हो सकता है। आज मैं ऐसी दो चीजें बताऊंगा जो वर्ल्ड वॉर 3 में हो सकती है और जिससे पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। इसके साथ साथ जिस तरह कोरोना से पहले ऑस्ट्रेलियन बुश फायर्स हुआ था, उसी तरह मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि कोरोना के बाद क्या क्या हो सकता है। और इस वीडियो के एंड में आपको पता चलेगा कि अगर इंडिया वर्सेस चाइना हुआ तो कौन जीतेगा। ये वीडियो नॉलेज से भरी हुई है, तो इस वीडियो का एक सेकेंड भी मिस मत करना। लेट्स एंटर इनटू आवर वीडियो। नंबर 1, बर्थ ऑफ न्यू वायरस। कोरोना जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है, रोज हजारों लोग मर रहे हैं। क्या होगा अगर एक देश दूसरे देश को तबाह करने एक नया वायरस बना दे, और आज के मॉडर्न टेक्नोलॉजी के मदद से ये मुमकिन है। अगर ऐसा हुआ तो फिर ये न्यू वायरस पूरी दुनिया को मिटाए बिना रुकेगा नहीं। आज तक इस दुनिया में ना जाने कितने वायरस आए हैं, सबके सब जानवरों के द्वारा आए हैं। और जानवर मासूम है, पर क्या इंसान मासूम है? जब जानवर में से इतने वायरसेस निकल सकते हैं, तो सोचिए इस दुनिया के सबसे इंटेलिजेंट जीव यानी इंसान कितना खतरनाक वायरस बना सकता है। वार्निंग, इस वीडियो के थ्रू मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि हमें जानवरों से नफरत करना चाहिए, बल्कि हमें उनसे नफरत नहीं करना चाहिए। सो प्लीज डोंट हार्म एनिमल्स। नंबर 2, 2P वर्सेस 2P इन स्टार्ट। अगर वर्ल्ड वॉर 3 हुआ तो ये जरूर सच होगा। इसका मतलब है दो पावरफुल देश होंगे दो दूसरे पावरफुल देश के खिलाफ। इंडिया और अमेरिका के बीच रिलेशंस बहुत अच्छे हैं, और दूसरी तरफ चाइना और नॉर्थ कोरिया के रिलेशंस भी अच्छे हैं। रिलेशंस मतलब उनके साथ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, ये कहना चाह रहा हूँ मैं। अमेरिका और नॉर्थ कोरिया एक दूसरे के बहुत बड़े दुश्मन हैं। इतने बड़े दुश्मन कि नॉर्थ कोरिया के लीडर किम जोंग उन ने अमेरिका पर न्यूक्लियर अटैक करने की भी धमकी दे दी थी। क्योंकि कोरोना चाइना से शुरू हुआ था, इसलिए अमेरिका भी चाइना से नफरत करता है, और अमेरिका इंडिया का साथ देना चाहता है चाइना के खिलाफ। और अगर इंडिया और अमेरिका एक साथ हो गए, तो क्या चाइना का दोस्त और अमेरिका का दुश्मन नॉर्थ कोरिया चाइना को अकेला छोड़ेगा? इस तरह शुरुआत होगी दुनिया के सबसे बड़े युद्ध की कोरोना के वजह से, और कई देश चाइना से नाराज है। तो इस तरह कई देश मिलकर लड़ेंगे वर्ल्ड वॉर 3। वर्ल्ड वॉर 3 इस दुनिया को पूरी तरह खत्म कर सकता है। तो बस दुआ करते हैं कि वर्ल्ड वॉर 3 कभी ना हो। पूरी दुनिया कोरोना के शिकंजे में आ चुकी है, जिसके वजह से हर कोई परेशान है। अब मैं आपको बताऊंगा कि कोरोना के बाद हमारे देश में क्या क्या हो सकता है। लॉकडाउन में सब बिजनेस बंद होने की वजह से हजारों कंपनीज ने उनके लाखों एम्प्लॉयज को जॉब से निकाल दिया है। इस कोरोना के बाद इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी। वर्ल्ड वॉर 3, हाँ ये सच है, मैं झूठ नहीं बोल रहा। मैं इसलिए ये सब बोल रहा हूँ क्योंकि ऐसे कई साइंस दिख चुके हैं जो कि ये दर्शाते हैं कि जल्द ही वर्ल्ड वॉर 3 होने वाला है। कोरोना के चलते कई देशों में लॉकडाउन चल रहा है, जिससे लोगों को पूरा पूरा दिन घर पर रहना पड़ रहा है, जिससे लोग खुद को एक्सप्लोर कर रहे हैं, मतलब लोग खुद के टैलेंट्स को पहचान रहे हैं। और कोरोना के बाद उनके पास मौका होगा एक न्यू बिजनेस स्टार्ट करने का उनके टैलेंट के बेसिस पर। अब देखते हैं इंडिया वर्सेस चाइना होने पर कौन जीतेगा। इंडिया और चाइना के बीच बहुत लंबे समय से हालात गर्म है, पर अब सारी हदें पार हो गई है। एक नहीं दो नहीं हमारे 21 बहादुर सिपाही मारे गए। चाइना वाले अपने हरकतों से कभी बाज नहीं आएंगे। 1962 में चाइना के वजह से हमारे हजारों सिपाही शहीद हो गए थे। फिर आया साल 1967, एक बार फिर चाइना ने हरकत की, पर इस बार हमारे सिपाहियों ने उन्हें मजा चखा दिया। लगता है 1967 में हार का मजा चखने के बाद भी चाइना का पेट नहीं भरा। इस बार अगर चाइना खुद से शांत नहीं हुआ तो चाइना का जो हाल होगा वो कोई सोच भी नहीं सकता। हाल ही में यह भी पता चला है कि हिंदुस्तान का साथ अमेरिका भी देगा। चाइना की हार तो पक्की है। चाइना 1962 में जीता था, पर ये 1962 नहीं 2020 है। हिंदुस्तान हर चीज के लिए तैयार है। हाँ, हिंदुस्तान के पास सेना, हथियार, विमान, टैंक्स कम है अगर हम चाइना से कंपैरिजन करें तो, पर हिंदुस्तान के पास है यूनिटी जो चाइना को फिर से धूल चटाने के लिए काफी है। अब जीत हर तरफ से हिंदुस्तान की होगी। एक जरूरी चेतावनी, चाइना बहुत शातिर है,
तो वो ऐसा कुछ कर सकता है जिससे हमारा इंडिया टूट जाएगा। चाइना अपने शातिर दिमाग को चलाकर हिंदू और मुस्लिम्स के बीच झगड़ा लगा सकता है, जिससे हमारे सिपाहियों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाएगी और इस चीज का फायदा चाइना उठाएगा। अगर ये वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा तो यार वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसे ही और वीडियोस को देखने के लिए, दूसरों तक इन डिटेल्स को पहुंचाइए यानी शेयर कीजिए, और अगर आपको मुझसे कुछ पूछना है या कुछ बताना है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना उस बात को। मिलेंगे जल्दी एक बिल्कुल नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।